क्या आपको लंबे समय से थकान, कमजोरी, आलसपन से जूझ रहे हो और ऐसा लगता है सुबह बिस्तर से उठने का इच्छा ही नहीं होता, ना काम करने का इच्छा, ना कहीं जाने का इच्छा, ऐसा महसूस होता है बिस्तर में पड़े रहूं, तो इलाज करना भी बहुत जरूरी है। जैसे तैसे करके आप डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर दूसरा दवाई का साथ साथ थकान, कमजोरी, आलसपन से राहत पाने के लिए एक बढ़िया कैप्सूल लिखा है। नमस्कार, मैं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट। आज इस वीडियो में ताकत बढ़ाने के लिए तीन कैप्सूल का बारे में बात करेंगे। पहला वाला तो बहुत ही बढ़िया है और डॉक्टर का पसंदीदा बना हुआ है। दूसरा वाला भी बहुत ही पॉपुलर और शानदार है और तीसरा वाला का तो क्या कहना। इसीलिए इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखना। पहला वाला है ए टू जेड गोल्ड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जो कि एल्केम लेबोरेटरीज द्वारा बनाया गया। 15 कैप्सूल का कीमत है 199 रुपीज, जो कि हर केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है। अगर ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से भी डिस्काउंटेड रेट पे और घर बैठे आप मंगा सकते हैं। तो आप पूछोगे इसका यूज क्या है, क्या फायदा मिलता है इस कैप्सूल लेने के बाद। वेरी गुड क्वेश्चन। जिसका ऑलरेडी थकान हो जाता है, फैटिक महसूस करते हैं, कमजोरी से जूझ रहा है, ना कहीं काम करने का इच्छा, ना किधर जाने का इच्छा, एनर्जी एकदम बिल्कुल ना के बराबर हो गया है, तो डॉक्टर उसको फुर्ती, उसको एनर्जी लाने के लिए इस कैप्सूल को लिखते हैं। खाली इतना ही नहीं, आपको ऐसा लगता है आपका इम्यूनिटी पावर कम हो गया है, आप शारीरिक और मानसिक तौर पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो, तब भी डॉक्टर इस कैप्सूल को देते हैं। आपको ऐसा लगता है हमारा चलने में दिक्कत होती है, खड़े होने में दिक्कत होती है, चक्कर आता रहता है, हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो डॉक्टर दूसरा दवाई के साथ साथ ये कैप्सूल देते हैं ताकि आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा हो जाए, आपको मसल्स अच्छा हो जाए, आपका को नस नस में ताकत पैदा हो जाए, आप धीरे धीरे शारीरिक फिट और फुर्ती वाला इंसान बन जाओ। क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग फार्मासिस्ट कुंडू जी चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले वीडियो देख सके। तो आप बोलोगे इसका डोज क्या है। जिसका उम्र 16 से लेकर 50 साल का बीच में है, वो रोजाना एक कैप्सूल सुबह नाश्ता का 20 से 30 मिनट बाद लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लंच का आधा घंटा बाद ले सकते हैं। और जिसको उम्र 16 से कम है, यानी छोटे बच्चा है, उसके लिए आप ए टू जेड सिराप दे सकते हो, जो कि इस वीडियो देखने के बाद पूरा जानकारी मिल जाएगा। और जिसको उम्र इससे ज्यादा है, वो कृपया करके डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो आप बोलोगे इसमें क्या क्या कंपोजिशन है। इसमें अल्फा लिपोइक एसिड है, DHA है, EPA है, इसमें खनिज पदार्थ का तौर पे जिंक है, सेलेनियम है, क्रोमियम है, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, विटामिन B6, विटामिन B1, फोलिक एसिड, विटामिन B12, ऐसे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट से भरा हुआ ताकत देने वाला एक हेल्थ सप्लीमेंट का तौर पे एक बहुत बढ़िया कैप्सूल है। और सेकेंड वाला का नाम जान लीजिए, रिवाइटल एज कैप्सूल है। 10 कैप्सूल का जो स्ट्रिप है वो 110 रुपया में मिल जाता है। सन फार्मास्यूटिकल्स इसको बनाता है। ये 30 और 60 कैप्सूल का डब्बे में भी उपलब्ध है। ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहाँ से भी घर बैठे और डिस्काउंटेड रेट में मंगा सकते हो। तो आप बोलोगे ये इसमें हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, इसमें यूज़ क्या है, कौन कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन बीमारी में हम इसको यूज कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। जिसका ऑलरेडी थकावट ज़्यादा है, कमजोरी ज़्यादा हो गया है, आलसपन से घिरा हुआ है, ना कहीं जाने का इच्छा, ना कोई काम करने का इच्छा, थकान से भरपूर है, ऐसा लगता है सारा दिन बिस्तर में पड़े रहे हूँ क्योंकि चलने फिरने में असमर्थ है, तो डॉक्टर दूसरा दवाई के साथ साथ इस कैप्सूल को देते हैं
ताकि उसको इम्यूनिटी पावर डेवलप किया जा सकता है, उसको शरीर में एनर्जी और फुर्ती का लेवल बढ़ाया जा सकता है, उसका जनरल वीकनेस खत्म किया जा सकता है, वो ऊर्जावान महसूस करे। जो जॉइंट्स है अगर उसमें कोई सूजन आ गया है, उसमें दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, उसको भी ये ठीक कर सकता है। खाली इतना ही नहीं, इसमें जिंगसेंग होने का कारण वो शारीरिक और मानसिक तौर पे भी काफ़ी अच्छा और हेल्दी महसूस करेगा। इसका डोज क्या है, जिसको उम्र 16 से 50 साल है, चाहे जेंट्स हो और नहीं तो लेडीज हो, वो सुबह नाश्ता का 20 मिनट से 30 मिनट बाद एक कैप्सूल रोजाना ले सकते हैं। और जिसको उम्र उससे कम है वो कृपया करके ए टू जेड सिरप ले सकते हैं, और जिसका उम्र 50 से ज़्यादा है वो कृपया करके डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें आपको फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटासियम, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, आयोडीन, मैंगनीज, जिंक, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी सिक्स, विटामिन डी, विटामिन ए और इसमें खास करके जिंकसेंग भी मिल जाएगा। अभी आप बोलोगे थर्ड वाला कैप्सूल कौन सा है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, जिसका नाम है मैक्सीरिच कैप्सूल, जो कि सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया गया। 10 कैप्सूल का कीमत है 90 रुपीस, हर केमिस्ट शॉप पे मिल जाता है, ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहाँ से भी घर बैठे और डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा। आप इसका 30 कैप्सूल का डब्बा भी मिल जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो आप बोलोगे इसका यूज़ क्या है, इसका फायदा हमें क्या मिलेगा, कौन कौन लोग किस किस बीमारी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इतने अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स होने का कारण, जिसका विटामिन्स और मिनरल्स का कमी हो गया है, शरीर में काम करने के लिए जो फुर्ती है वो कमी हो गया है, तो डॉक्टर इस कैप्सूल को तभी देते हैं। ये लेने के बाद आप फुर्ती महसूस करोगे, आपका एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, आप कामकाज करने में भागे भागे दौड़े दौड़े कामकाज कर पाओगे, आपका शारीरिक का साथ साथ मानसिक तौर पे भी आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, क्योंकि इसमें जिंगसेंग जो एक हर्ब्स है वो भी मिला हुआ है। क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। आपको ये जो 3 कैप्सूल हमने बताया, इनमें से कोई एक कैप्सूल लेना है। इसका डोज क्या है, जिसका उम्र 16 से लेकर 50 साल का बीच में है, वो रोजाना नाश्ता का आधा घंटा बाद एक कैप्सूल ले सकते हैं। और जिसको उम्र छोटा है वो क्या करेंगे, वो ए टू जेड सिरप ले सकते हैं। और जिसको उम्र 50 से ज्यादा है, अगर उसका ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल है तो रोजाना एक कैप्सूल ले सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर और शुगर हाई है तो कृपया करके आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसका भी कंपोजिशन बता दीजिए, इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन B12, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, थोड़ा बहुत फैट भी मिलेगा, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B3 है, नियोसिनामाइड मिलेगा, कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम मिलेगा और जिंकसेंग भी मिलेगा। आशा करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुका हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं जो भाई हमारा लिवर का प्रॉब्लम है उसके बारे में भी जानना चाहिए, तो प्लीज़ आप राइट वाला वीडियो देख लेना। कई लोग बोलते हैं जो भाई आयरन का कमी है तो कोई वीडियो है तो बताइए, तो लेफ्ट वाला वीडियो देख लेना। धन्यवाद।